लैला मजनू मेले के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने मांगी मुरादें। अनूप ग प्रेम का प्रतीक लैला मजनू का दो दिवसीय मेला शुक्रवार को समाप्त हुआ। मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भारत पाक सीमा पर स्थित बिंजोग गांव में लैला मजनू की मजार पर दो दिवसीय मेले का गुरुवार को शुभारंभ हुआ था, जिसका शुक्रवार को हुआ। भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार मेला सिर्फ दो दिनों के लिए ही लगा। मेले में आसपास के इलाके सहित दूरस्थ इलाकों व अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रेम की मुरादें मांगी। मेले के अंतिम दिन भीषण गर्मी होने के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मेला परिसर के बाहर खाद्य पदार्थों सहित अनेक अस्थायी दुकानें व स्टॉले लगी। इसके साथ ही मेले में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया व खूब पसीना बहाया। मेले के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तथा इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान मेले में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस और बीएसएफ द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई और पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा। कौन थी लैला मजनू, जाने इतिहास। कहा जाता है कि अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव बिंजो में लैला मजनू ने भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। बिंजो गांव भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी से महज 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गांव में यह मजारे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश तो दे ही रही है, साथ में जहां हिंदू एक ओर इन मजारों का ध्यान रखते हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम श्रद्धा से शीश नवाकर अमन चैन की प्रार्थना करते हैं। अब इन मजारों को दूर दूर तक प्रेम के प्रतीक के रूप में लैला मजनू के नाम से जाना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार पाकिस्तान में जन्मे लैला मजनू अंतिम समय में बिंजो गांव में ही आए थे। लोगों का कहना है कि जब भारत पाकिस्तान की सीमाएं नहीं बनती थी तब लैला के भाई दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे और दोनों छिपते छिपाते पानी की तलाश में यहां आ पहुंचे और दोनों की प्यास से ही मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने इन दोनों को एक साथ वहीं दफना दिया और जब भारत पाकिस्तान की सीमाएं बनती तो यह क्षेत्र भारतीय सीमा में आ गया। डी.एल. सारस्वत की खास रिपोर्ट।